aspect of space research which i would like to stress most is in relation to the national capability the self-confidence that this will generate and if i uh, were to give my own evaluation of this i think the benefits of these far outweigh yeah abadhi bhairav kantrik shakarikram ki janak parmanu urja yo ke poor vadhach or national physical laboratory or indian institute of management amdabat kushtit melani विक्रम साराबाई की 12 अगस्त उन्नीस को अहमदाबाद की एक बड़ी कपड़ा मिल के मालिक के घर एक लड़का पैदा हुआ विक्रम की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती है जब उनका जन्म हुआ मेरे ख्याल से चार भाई बहन तब थे दो तो विक्रम साराबाई के बाद पैदा हुए तो उनको बुलाया गया कि भाई हुआ है तो दौड़ के ऊपर चले गए और बोले कि हाँ कितने बड़े खान है गा, बिल्कुल गांधी जी की तरह हमको इसको बंद करके पान की तरह बंद करना है 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर अहमदाबाद की यात्रा पर आए थे और विक्रम के घर पर ही उनके पिता के मेहमान के तौर पर ठहरे थे, थे जब टैगोर ने उन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़े काम करेगा टैगोर आई थिंक एज एन एमिचर एट्रेनोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द शेप ऑफ द हेड टगोर थोड़ी दिलचस्पी थी उसमें उन्होंने जब बेबी विक्रम को देखा तो उनके कल का शेप देख के कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे जब अठारह साल पे जब विक्रम सारा कैम्ब्रिज गए साइंस पढ़ने यानी फिजिक्स एंड मैथ पढ़ने तब उनका रिकमेंडेशन लेटर टगोर ने लिखा था विक्रम साराभाई की बेटी मलिका साराभाई आज जानी मानी नृत्यांगना है वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा विचारों में मग्न देखा मशहूर चित्रकार रोडा की कलाकृति थिंकर की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था बहुत डाउन टू अर्थ जिसके भी साथ बात करे उसको 100 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन दे बिल्कुल हैरान की न हो बहुत मौजीले पिता बहुत सिंपल हमेशा सफेद खादी के पजामा कुर्ता पहनते सूट पहनना पड़ता तो नीचे कोलापुरी चप्पल पहनते वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक बच्चे उनके सबसे बड़े हम दोनों मेरे भाई और मैं प्राइड थे और जब भी कुछ उन्हें अवार्ड मिलता था तो हमेशा एटीट्यूड ये थी कि ये तो आप दोनों के लिए मिले आया हूँ एक बहुत डेमोक्रेटिक बाप जो मैं तीन साल की थी तब भी अगर फैमिली के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो जिसका अफेक्ट मुझ पे पड़ेगा तो मुझे और मेरे बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश करके कंसेंसस लाके फिर ही वो होगा फॉर इंस्टेंस एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी का कलर कौन सा होगा मुझे याद है मैं तीन साल की थी तब मैंने हट पकड़ी थी कि अम्मा की जो नई फीयट आती थी वो पिंक कलर की होनी चाहिए और मुझे याद है कि तीन या चार दिन हर रोज वो लोग मुझे कन्विंस करते रहे और जब फाइनली मैं कन्विंस हुई तब गाड़ी खरीदी गई काले रंग की कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद विक्रम सारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर चले गए जहाँ उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में अपना शोध जारी रखा वहीं उनकी मुलाकात महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाबा से हुई जिन्होंने उनकी मुलाकात मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन से कराई जो बाद में उनकी पत्नी बनी होमी भी बहुत एक आ, थे चीजों का आर्टिस्ट थे बहुत खूबसूरत ड्रॉ करते थे उनको भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। वो भी एक काफी वेल टू डू फैमिली से आते थे तो वो हमेशा पापा को फीस करते थे कि तुम इतने इंडियन खूबसूरत कपड़े में क्यों घूमते हो तुम तो साइंटिस्ट हो तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें साइंस में सूट करे और होमी भापा और अम्मा बेंगलोर में बैडमिंटन पार्टनर्स थे तो वो अक्सर अच्छा मृणालिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे मृणालिनी और विक्रम पहले मिले देवर यंगर और तब मेरे ख्याल से उन एक दूसरे को ज्यादा यानी विक्रम ने ज्यादा पसंद नहीं किया वो कह की शी वाज वेरी गेम्स और पार्टीज में ज्यादा उसका दिमाग की यानी यू नो इंटरेस्टेड इन ट्रियल थिंग्स तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया पर लेकिन क्या हुआ कि मृणालिनी ने फिर डांस में बहुत ही सीरियसली इंटरेस्ट लिया और वेरी इन अ वेरी डेडिकेटेड वे फाउंड हर कॉलिंग तो जब दोबारा मिले तब दोनों सेट हो गए थे उनके करियर लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे लेकिन दोनों कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है मुझे तो डांस सीख करना है मुझे तो साइंस सीख करना है ऐसे बोलते बोलते शादी हो गई। जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन वो ट्रेन से बेंगलोर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन थे आंदोलनकारियों ने हर जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी थी जिसकी वजह से जो यात्रा 18 घंटे में पूरी होने थी उसे पूरा होने में पूरे 48 घंटे लगे और विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने अपना हनीमून ट्रेन के फर्स्ट क्लास कूपे में मनाया विक्रम का अपनी होने वाली पत्नी को उपहार देने का अंदाज सबसे अलग हुआ करता था मृणालिनी ने मुझे इंटरव्यू में कहा वो बहुत हंस के एक भी सीधा गिफ्ट नहीं दिया यानी मैंने पूछा क्या क्या गिफ्ट दिए तो उन्होंने कहा एक बार कोई एक बहुत ही खूबसूरत बैटन सिल्वर रिंग या ऐसा कुछ यानी नॉट अ डायमंड रिंग और यू you नो know, इतने अमीर ब्यूटिफुल्वर रिंग और दूसरी बार एक स्लेंडर लॉरिस यानी स्लेंडर लॉरिस क्या होता है कि एक मंकी uh, जैसे um, श्रीलंका में और साउथ इंडिया में बट रेयरली देखने को मिलता है एक uh, बंदर जैसा थोड़ा दिखता है लेकिन uh, छोटा होता है तो एक दिन मृणालिनी ने दरवाजा खोला कोई ने किसी ने बेल मारी होगी और खोला तो ये सिलेंडर लोरी से आई थी उनका नहीं चाहिए लेकिन एक और बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे ख्याल से जो शादी के दिन सवेरे एक विक्रम सारा भाई ने बहुत ही ढूंढा बाजार से और वो क्या बोलते हैं बहुत ही रेयर ब्लू लोटस और एक बहुत ही सुंदर सिल्वर थाली में भेजा तो बोला के हाँ बस ठीक है विक्रम सारा भाई बहुत मेहनत करते थे वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासक भी थे तनाव से मुक्ति के लिए वो हमेशा संगीत का सहारा लिया करते थे कहा जाता है कि उनके पास रिकॉर्ड्स का बहुत जबरदस्त संग्रह था कुंदन सहगल उनके पसंदीदा गायक थे उन्हें सीटी बजाने का बहुत शौक था उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो प्रयोगशाला में आ गए हैं इसका पता तब चलता था जब वो सीटी बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे होते थे और उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही होती थी क्लासिकल वेस्टर्न और क्लासिकल इंडियन का बहुत शौक था और वो अक्सर काम करते समय ट्यून्स विसुल करते थे उनको चगौर के गाने बहुत पसंद थे सहगल के गाने बहुत पसंद थे विक्रम साराभाई अपने वजन के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे सुबह तड़के उठते थे बारह बार सूर्य नमस्कार करते थे और मौका मिलने पर तैरते थे घर पर खाने की मेज पर वो दही अचार पापड़ और सलाद के साथ सिर्फ एक रोटी खाया करते थे अक्सर वो दूसरों की प्लेट से एक निवाला उठाकर कहते थे ये मेरी प्लेट नहीं है इसलिए इसकी कैलोरी मुझे नहीं चढ़ेगी हमेशा उनके वजन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट uh, रहते थे ताकि ही लाइक टू बी स्लिम एंड फिट लेकिन खाने में बहुत uh, कुछ भी है नया है तो करते तो मेरी माँ जब शादी करके आई तब मेरी माँ तो बिल्कुल मांसाहारी थी और वो उन्होंने शादी की नॉट ओनली एक शाकाहारी परिवार में लेकिन एक शाकाहारी स्टेट में मेरी माँ पापा का ये फूड का बहुत शौक था इसलिए अलग अलग देश के रेसिपीज को वेजिटेरियन बना के हमारे घर में इंट्रोड्यूस करती थी बच्चे थे तभी हम मेक्सिकन खाना खाते थे और स्पेनिश खाना खाते थे और अब तो इटालियन वगैरह सब जगह मिलता है लेकिन इतने साल पहले ये शायद पहला घर था

विच इज अनहैपी। इस का पीरियड जब चल रहा था, तभी उनका देहांत उन्नीस सौ छियासठ में जब होमी भाबा की विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई, तो विक्रम साराभाई को उनकी जगह परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हालांकि उनकी परमाणु शोध की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी अब भाभा की जो पर्सनैलिटी थी कम्पलिश्ड साइंटिस्ट थे और उनके जो लिंक्स थे इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी के साथ तो सक्सेसर जो होगा वो उनको भी थोड़ी ऑन पार होना चाहिए वैसी सोच थी तब की थोड़े लोगों को अप्रोच किया गया लेकिन नहीं जमा नहीं और तब सारा भाई को अप्रोच किया कि आप ले लो अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी वो स्पेस प्रोग्राम चला रहे थे तो दो बड़े बड़े प्रोग्राम चलाना इट वाज़ डिफिकल्ट यानी आप अगर जो दूसरे सब इंस्टीट्यूशन देखे सारा भाई ने जो शुरू किए थे उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने ऐसे ही फाउंडेशन रखा जो कंटिन्यूएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए लेकिन यहां पे ही वॉज इनहेरिटिंग ही वॉज गोइंग इन टू डिफरेंट वॉज ई द नेचुरल सक्सेसर या वॉज देर अ कॉन्ट्रोवर्सी तो राजा रमन्ना जो काफी सीनियर थे तब उन्होंने बाद में यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी में कहा है इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल इम लाइक ही वॉज कंसिडर्ड की जो स्टैचर थी इट वॉज अ करेक्ट स्टैचर दैट यू नीड इड आफ्टर भाभा शुरू से ही वो परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे इंडिया टुडे के संपादक राज चेंगपा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर विक्रम साराभाई और होमी भाभा के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे भाभा की मृत्यु के पांच महीने बाद जब उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का काम संभाला तो सबसे पहले भारत के नए नए परमाणु बम कार्यक्रम को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना याद करते हैं कि साराभाई का मानना था कि हथियार के रूप में परमाणु बम बेकार की चीज है वो सिर्फ एक कागजी शेर है परमाणु बम के प्रति साराभाई की सोच से मोरारजी देसाई बहुत खुश हुए कई साल बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने राजा नमन्ना से कहा सारा भाई समझदार लड़का था वो पागल भाभा तो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता था जब उनके सामने भाभा का ये तर्क रखा गया कि परमाणु बम बनाने में बहुत कम खर्च होगा तो विक्रम सारा भाई का जवाब था आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दो गज कपड़े की कीमत क्या होगी लेकिन ये दो गज कपड़ा बगैर किसी करघे या मिल के तो बनाया नहीं जा सकता इंदिरा गांधी विक्रम साराभाई को बहुत मानती थी वो उन चंद लोगों में से थे जिन्हें वो उनके पहले नाम से पुकारती थी विक्रम के निजी सचिव के आर रामनाथ बताते हैं कि जब भी इंदिरा गांधी उनके शहर में आती थी उनका काम होता था शहर में उपलब्ध सबसे लाल गुलाबों का एक बुके तैयार करना जिसे विक्रम सारा भाई इंदिरा गांधी को दिया करते थे लेकिन 1971 का अंत आते आते इन संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई थी राजप्पा वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले नवंबर के आखिरी सप्ताह में इंदिरा गांधी ने सारा भाई को मिलने के लिए बुलाया उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि उनके नेतृत्व में एक अंतरिक्ष आयोग बनाने जा रही है इंदिरा गांधी ने सारा भाई ऐसी परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का पद छोड़ देने के लिए कहा सारा भाई ने अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया उन्हें लगा कि श्रीमती गांधी का अब उनमें विश्वास नहीं रहा श्रीमती गांधी ने कहा कि ये बात सही नहीं है वो बोली अगर आप इसी गति से काम करते रहे तो हम बहुत जल्दी आपको खो देंगे सारा भाई बहुत निराश होकर दफ्तर से बाहर निकले और उनके कुछ दोस्तों के अनुसार उन्होंने ये भी सोचा कि वो इस्तीफा दे दें लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस संकट को टाल दिया और इससे पहले कि अंतरिक्ष और परमाणु आयोग को विभाजित करने की सार्वजनिक घोषणा होती विक्रम सारा का स्वर्गवास हो गया तीस दिसम्बर उन्नीस को विक्रम सारा त्रिवेंद्रम के कोवालम बीच गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे सुबह जब वो सोकर नहीं उठे तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया मच्छरदानी के अंदर वो शांति पूर्वक लेटे हुए थे उनके सीने पर एक किताब पड़ी हुई थी जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता चला कि दो घंटे पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था उस समय उनकी उम्र थी मात्र बावन साल मैं शूटिंग कर रही थी मेरी फर्स्ट फिल्म को और मैं अम्मा दोनों बॉम्बे थे हम राह देख रहे थे न्यू ईयर लीव के लिए पापा त्रिवेंद्रम से वापस आकर हमें अहमदाबाद ले आने वाले थे और मेरी और पापा की डेट थी जिमखाना क्लब में डांसिंग जाने की तो उसी सुबह ट्वेंटी मॉर्निंग मैं पांच बजे शूटिंग पे जा रही थी पापा एयरपोर्ट पे जा रहे थे हमने कहा दूसरे दिन मिलेंगे मैंने कहा पापा आप मेडिकल टेस्ट करवा के आए हैं तो डोंट बी सिली डोंट वरी एवरीथिंग इज इन ऑर्डर मैं कल ही गया था और ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है और थर्टीअ मॉर्निंग में शूटिंग पे गई तो अम्मा का फोन आया मेरे डिरेक्टर पे के मल्लिका को वापिस ले आओ घर तो गाड़ी में वापिस आते टैक्सी में अंधेरी से लिटिल गिट्स रोड मुझे ऐसे ही डर था कि अम्मा को कुछ हुआ है मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती थी की पापा को कुछ हुआ है मैं घर पहुंची तो नीचे पूरी गाड़ियां भरी थी सब लोग सफेद में थे रो रहे थे एलिवेटर में मैं ऊपर गई तो पापा के सेक्रेटरी बाहर खड़े थे मैंने देखा उन्हें उन्होंने कहा आओ अंदर मैं गई तो अम्मा बेडरूम में बैठ के रो रही थी ऑल शी इज मलिक का पापा इज गॉन और मेरे तो समझ में ही नहीं आ गॉन का मतलब क्या इमीजिएटली so क्योंकि उनको कुछ होगा वो तो बिल्कुल इमेजिनेशन में के मल्लिका सारा ने ही अपने पिता की चिता को अग्नि दी विक्रम साराबाई की माँ भी वहाँ मौजूद थी उस समय जम चुके घी को टुकड़ों में तोड़कर जब पुजारी ने चिता में डालना चाहा तो उनकी माँ ने कहा धीरे से डालो विक्रम को चोट लग जाएगी उन्नीस में चांद के क्रेटर का नाम डॉक्टर विक्रम साराबाई के नाम पर रखा गया आज चंद्रमा पर भारत ने अपना जो चंद्रयान भेजा है उसकी नींव कई दशक पहले विक्रम साराभाई ने ही रखी थी रेहान पदल बीबीसी दिल्ली